ये हमारी वार्तालाप अब रिकॉर्ड हो रही है, जी मैं आपको सिलसिले से समझाता हूँ दोबारा कि आपको जी करना क्या है और कैसे करना है। जी तो सबसे पहले मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, जी उस लिंक से आप क्लिक करेंगे और एक जी लिंक मैं आपको एक एसएमएस से भेजूंगा। क्लियर जी। अच्छा, उसको क्लिक करके आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए वो कहेगा, जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, राइट? राइट। हाँ, उसको डाउनलोड जब आप करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप अपना फोटो डालिए और जी फिर अपना नाम के साथ आपकी जो चिंतन और सोच है, क्या आप विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं। विचाराधीन सदस्य का मतलब है कि भाई साहब हमें बातें तो आपकी ठीक लग रही हैं, लेकिन अभी हम जो है समझना चाहते हैं, राइट? तो जो व्यक्ति समझ रहा है उसे विचाराधीन सदस्य कहेंगे, राइट? कि अभी वो पूरा सदस्य नहीं बना है, राइट? अब यदि अज्यूम करें कि आप इतने समय से वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो अब आपने समझ लिया है, क्लियर? तो आप फिर शपथकृत सदस्य कहलाएंगे। जब आप शपथकृत सदस्य होंगे तो इसको बड़ा समझने की जरूरत है। इसको समझने की जरूरत ये है कि आप सिर्फ जुड़ गए हैं, इससे 90% विजय हासिल हो गई है, राइट? और आपने यदि 10 लोगों को जोड़ लिया, जो कि अपने परिवार के 4-5 लोग हो गए, एक दो फैमिली मतलब दोस्त हो गए, एक आध पड़ोसी हो गए, तो इतने मात्र से आपका कहना चाहिए कि 99% काम हो गया, राइट? फिर धीरे धीरे एक दो करके जोड़ते रहिए और धीरे धीरे जब आप जोड़ेंगे तो 90 लोगों का संकल्प पूरा आप कर लेते हैं, तो सदस्य संकल्प पूरा हो गया, राइट? अब इसके सदस्य जो सदस्य संकल्प है वो एक्चुअली में इस बात को कह रहा है कि देखिए भाई, मुझे परिवर्तित भारत चाहिए, अपराध मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, लेकिन हमारी सोच क्षमता और परिस्थितियों के कारण हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, राइट? और जो व्यक्ति पर्दे के पीछे रह रहा है वो हमारा सम्मानित सदस्य है और इस पूरे अभियान की रीढ़ की हड्डी है। एक मजबूर आदमी जो कह रहा है कि परिवर्तित भारत तो चाहिए लेकिन मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, राइट? अब एक तीसरी कैटेगरी है, वो है वो जो कह रहा है कि मैं पर्दे के आगे आकर चंद्रगुप्त जो है कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। तो चंद्रगुप्त कंपटीशन क्या है? हम अपने अपने लोगों के बीच में जाएं, उनके बीच में संगोष्ठी लें, एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब का जो भी वीडियो अच्छा लग रहा है उस वीडियो को साथ में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हुए देखें और फिर चर्चा करके सामने वाले को ऑप्शन दो कि वो अपनी सोच क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार किस रूप में जुड़ना चाहता है, विचाराधीन सदस्य के रूप में, शपथकृत सदस्य के रूप में या चाणक्य के रूप में। क्लियर? तो ऐसा चंद्रगुप्त जो कि अधिक से अधिक संगोष्ठियां लेके अधिक से अधिक लोगों को शपथकृत करके जोड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो आप एक बार अपना नाम बताइए और किस प्रदेश के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो रहने वाले हैं पटना सिटी के। पटना सिटी के। और आपका नाम क्या है? बिहार के। आपका नाम क्या है? उमेश जायसवाल। अच्छा, तो उमेश जायसवाल जी। जी। अब मेरे ख्याल से बिहार के विधानसभा में कितने विधायक हैं? इतना तो हमको ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से शायद मुझे कुछ बताया गया था 248 है, मैं भी चेक कर लूंगा। तो मान लेते हैं कि 248 विधायक हैं, तो 248 लोगों की जो जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा और हमारा प्रतिनिधि जाके उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी दे देगा और विधानसभा का टिकट भी दे देगा, राइट? राइट। और ये व्यक्ति जो है ये विधानसभा का टिकट मिलेगा, विधानसभा का टिकट मिलेगा और जब 2024 में
पार्लियामेंट का भी टिकट मिलेगा, एमपी का भी टिकट मिलेगा, लेकिन वो टिकट इस बात पे मिलेगा कि आप उस मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। और मेरिट लिस्ट किस चीज की है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाए, राइट। और इस ये मेरिट लिस्ट कौन से दिन निकलेगी, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, राइट। और इस मेरिट लिस्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, क्या कहेंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। हाँ, तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उस समय जो लोग 248 लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की, उन्हें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा चंद्रगुप्त का, और विधानसभा का टिकट भी मिल जाएगा, राइट। उन्हें किसी के पास नहीं जाना है, ये उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा, क्लियर। अब जो है, जिस दिन नोटिफिकेशन हो गया है और वोटिंग के दिन तक लगातार सभी लोगों को संगोष्ठियां लेके लोगों को जोड़ते रहना है, राइट। तो जब हम लोगों को जोड़ेंगे तो वो मेरिट लिस्ट में बदलाव होने की संभावना है कि नहीं है भाई। जब आप जो है, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ हो गई, इसके बाद आप लगातार संगोष्ठियां लेके लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, राइट। और आप यही कर रहे हैं कि जो ना वो दिखा रहे हैं, तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो उस दिन बनेगी जिस दिन की वोटिंग का जो दिन होगा, उस दिन रात में वो मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और ये मेरिट लिस्ट जो है, इन बीच के दिनों का जो आपकी मेहनत है उसका भी परिणाम होगी, राइट। तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है उससे ऊपर नीचे लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब इस नई मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो ऊपर के 30 लोग होंगे, पहला व्यक्ति जो है ना मुख्यमंत्री बन जाएगा, दूसरे तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और बचे हुए 27 लोग जो है वो मंत्री बन जाएंगे। तो बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है। आप जो है लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, नंबर वन आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नंबर टू थ्री पे रहे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यदि पहले के 30 लोगों में आ गए तो मंत्री बन जाएंगे, और 248 में तो जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें, उसके आधार पर जो है आप विधायक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपके जेब से क्या 5 पैसे खर्च हुए? नहीं हुए। क्या आपने कहीं पे भी अपने लिए वोट मांगा? क्या कहीं पे भी नहीं मांगा? नहीं। आप जो संगोष्ठियां कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि भैया ये क्राइम फ्री भारत मिशन है, ये हमारी तकदीर बदल देगा, ये 21 लक्ष्यों सहित भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत भी दे देगा, हमारी रिपोर्ट बिना थाने जाए लिख दी जाएगी, राइट। तो जो 5 सर्टेनिटी है अपराध मुक्त भारत की, वो भी पूरी हो जाएंगी, और आप उस सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो किस कैपेसिटी में जुड़ना चाहता है, तो आप उसके ऊपर कुछ चीज थोप रहे हैं क्या? नहीं थोप रहे हैं। वो विचाराधीन सदस्य बन सकता है, और विचाराधीन सदस्य जो है हर दिन 9:30 बजे इसी ऐप के माध्यम से एक कॉन्फ्रेंस होती है हर रात को 9 बजे से, राइट। तो दो चार छह वीडियो देखने के बाद वो उस कॉन्फ्रेंस में आके यदि कोई उनके दिमाग में संशय है तो वो जो है उसको निकाल के फिर विचाराधीन सदस्य के साथ से जो है ना बढ़ के शपथ पत्र सदस्य बन सकता है, और यदि उसकी चंद्रगुप्ती महत्वाकांक्षाएं हैं तो वो चंद्रगुप्त भी बन सकता है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लेगा तो वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, नंबर वन पे आ जाएगा। आप ये बताइए, इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। और आप चंद्रगुप्तों की जिम्मेवारी नहीं है 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारना, ये जिम्मेवारी चाणक्य की है, ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, जिन्होंने ढेर सारे कानूनों के ड्राफ्ट, ढेर सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, और जो गैप्स हैं वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से 6 महीने लग जाएगा। मिला जुला के शीर्षक यही हुआ, हम आपका बात सुन लिए, और कुछ बोलना है तो बोलिए। ऐसे हम अब देख रहे हैं कि निचोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं,
मिला जुला के शीर्षक ये हुआ कि एक अच्छे लोग का एक पार्टी बनेगा। नहीं, कोई अच्छे लोगों की पार्टी नहीं बनेगी। क्राइम फ्री भारत मिशन है। अच्छे लोगों की अच्छे लोगों एक मिनट अच्छे लोगों की डेफिनेशन वही है कि आप जो है ना अच्छे हैं तो जाइए संगोष्ठी करिए, लोगों को जोड़िए। तो कोई पार्टी नहीं बन रही है। अच्छा अच्छा, कोई पार्टी नहीं बन रही है, आपको सिर्फ टिकट पहुंच रहा है, राइट। और वो टिकट भी आपको ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत पहुंच रहा है। तो आप मिशन के सदस्य हैं। आप एक तरह से यही हो गया सर जी कि अगर पावर में आप आइएगा है ना, तो आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। निचोड़ यही हो गया। इसका निचोड़ ये है कि आज की व्यवस्था एक राक्षसी व्यवस्था है। इस राक्षस की जान एक राजनेता में है। जब तक हम राजनेता को पराजित नहीं करेंगे तब तक हम इस राक्षसी व्यवस्था का अंत नहीं कर पाएंगे। और इस व्यवस्था यही निचोड़ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल राइट, हम समझ गए। तो अब दूसरा ये अब हम सवाल करना चाह रहे थे कि जैसे पहला तो कि आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपका पहले परिचय आप दीजिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। तो अभी आपको जो है ये बिना समझ में आए आपने हमको फोन लगा दिया? नहीं सब आप यहाँ दो मिनट रुकिए, अब हमको बोल लीजिए। मिशन यही हमको देखे कि एक अच्छे आदमी का ग्रुप है, मतलब मेरे को जो समझ में आया कि इसलिए हम फोन लगाए। नहीं समझे? हाँ हाँ बताइए। एक अच्छे आदमी समझ के हम आपको फोन लगाए। आपने बिल्कुल सही समझा कि आपके राजनेता तो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के वो नियम थोप के रखे हैं जो जो अंग्रेजों ने आपको प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, आपको उत्कंठित करने के लिए बनाए थे। सर जी हम लोग क्या है, हम भी भगवान के कृपा से एक लाइन में समझ जाते हैं। नहीं समझे? नहीं, लेकिन जो ये बात रिकॉर्ड हो रही है तो आप एक लाइन में समझ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे 25 लाइन में समझाएं, जिससे जो सुन रहा है जो वो एक लाइन में नहीं समझ पाता है उसको भी समझ में आ जाए। हाँ हाँ हाँ, ये जो जिसके पास मेमोरी थोड़ा कम है तो उसको समझाना बहुत पड़ता है घूम फिर के। तो इसलिए अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपका परिचय हम जानना चाह रहे हैं। तो मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का। 7 साल तक डीजी रहा हूँ। डीजी रेलवे, डीजी पुलिस रिफॉर्म्स, डीजी जो है ना होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी दो नेशनल पुलिस मिशन का मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ और क्राइम फ्री भारत मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अब कुछ हमको लगा और मेरे को अच्छा लगा कि एक आईपीएस ऑफिसर से हम बात कर रहे हैं। बात करने तक और अच्छा लगने तक सीमित मत होइए मिस्टर जायसवाल। हाँ हम समझ गए। आप जो है आज ही भरिए और कम से कम 10 लोगों को तो अभी तत्काल जोड़िए। जोड़ देंगे सर जी, ठीक है ना? जोड़ और इसके बाद अब संगोष्ठी करके। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितना लोगों को जोड़े? अरे वो ऐप हमको सब कुछ बताता है और आपको भी सब कुछ बताता है। इसलिए हम ये प्रश्न पूछे। नहीं, ये आपको भी मालूम पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि दूसरे लोगों ने कितने को जोड़ा है। तो इसके आप ट्रेंडिंग में जाएंगे तो ट्रेंडिंग में 1, 2, 3 कौन चल रहा है वो मालूम पड़ेगा। यदि आप नीचे व्यू ऑल कर देंगे तो आप जितने लोगों ने भी आज की एक्टिविटी में किसी को भी जोड़ा, कोई भी कार्रवाई की, तो वो आप देख पाएंगे। और इसी के ऊपर टुडे पे यदि आप क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है, इस वीक में क्या रहा, इस महीने में क्या रहा और अब तक ऑल द टाइम क्या रहा। अच्छा, तो आप अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में हर चीज जान पाएंगे। ये बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है जी कि मान लिया जाए कोई अगर जैसे किसी के साथ कोई क्राइम हो रहा है जी, ठीक है ना, अभी के डेट में जैसे अभी क्राइम हो रहा है अगले के साथ और प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका निदान है क्या? उसका निदान है,
जगह जगह अच्छा पर बोलिए। क्राइम फ्री भारत अपने दफ्तर खोल रहा है। जैसे कल हम दिल्ली में थे, दिल्ली में जी पब्लिक ने दो कार्यालय हमारे खोल दिए। अच्छा अब उन जगहों पर जो है आवेदन पत्र आएंगे, और उन जगहों जी पर जो है हमारे तरफ से जो है जो वैधानिक मदद है वो मिलेगी। हमारे तरफ से पत्र जी जाएंगे आर्टिकल जो सेक्शन 39 CRPC के तहत, तो फरियादी ने हमको दे दिया, इसके बाद पूरी मदद हमारे तरफ से उसको मिलेगी। तो ओ आप लोगों के यहाँ पर भी जो है आप आयोजन करिए, एक कार्यालय जगह जगह खुल जाएंगे तो वो वहां पर जी ऊर्जा का संचार भी होता रहेगा और लोगों को मदद भी मिलती रहेगी। तो बिल्कुल जैसा दिल्ली बिल्कुल वालों ने बिल्कुल किया है वैसा आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 और बताएं सर जी। अब एक ही चीज बताना है, जी और वो ये बताना है कि आप, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप तत्काल इससे जुड़ जाइए। उमेश जायसवाल आपने नाम बताया था ना अपना, राइट? तो आप जो है उस लिंक को, बल्कि मैं आपको बात करते करते ही उस लिंक को आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि देखिए जितना सर जल्दी जो काम जी, होगा देखिए उतना बेटर। एक चीज, एक मिनट, मैं आपका जो है ना लिंक शेयर करने का काम करता हूँ। नहीं, मेरा बात तो सुन लीजिए। हाँ, आप देखिए सुनते थोड़ा जाइए, मैं सा क्या आपका है, काम कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा सा क्या है, जैसे एक्चुअल में तो हम आपके व्हाट्सएप के जो भी है हम देखे हैं, उससे जुड़े हैं, है ना। उससे कोई फायदा नहीं है, वो जुड़ना नहीं है, वो बेकार है सब। नहीं, मतलब जो भी है उसी माध्यम तो वही ना, वही देख करके ना हम आपको कॉल किए। नहीं, लेकिन अब जो है ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे तो आपकी उपस्थिति दर्ज अच्छा होगी। यदि आप ऐप के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं तो ये आप देखते रहेंगे, उससे कोई फायदा वायदा नहीं है। नहीं, हम वही सेटिस्फाइड होना चाह रहे हैं आपसे। बहुत सा अभी अभी क्या अभी देखिए हम, 75 साल से आप में जूते लग रहे हैं, तो आपने अपने आप को सेटिस्फाई किया क्या? जब आपके निदान मिल रहे हैं तो आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आप किसी को 5 पैसे दे रहे हैं क्या? क्यों सेटिस्फाई करना चाहते हैं? नहीं, आपसे कोई पांच पैसे मांग रहा है क्या? नहीं, मेरा तो बात तो आप, समझ नहीं, मैं लीजिए। आपसे पूछ रहा हूं कि आज जो है इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर जो है गुलामों के नियम थोप के रखे हैं, व्यवस्था हाँ आपको रोज जूते लाते लगा रही हैं, तब आपको कुछ नहीं जानना है। लेकिन एक उसमें नहीं बिना 5 पैसे खर्च किए यदि अजमा कर फिर विश्वास करें, ये डायलॉग कहा जा रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? मैं हाँ, अब आपसे मेरा पूछ रहा बात हूँ तो क्यों चाहिए? समझिए। जो कुछ भी होगा आज से तो बेहतर ही होगा ना, नंबर वन। बिल्कुल नंबर टू, बिल्कुल आपसे पांच बिल्कुल पैसे लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, जब आपसे पांच पैसा पैसे क्या नहीं लिए जा तो रहे हैं और आपको ताज भी दे दिया जा रहा है, आपको मुख्यमंत्री हम बनाने का भी मॉडल दे दिया जा रहा है, और फिर आप बहुत नहीं, समझना चाहते हैं, तो आपसे ज्यादा बुद्धू आदमी और कौन होगा? आप तो इसका मतलब है कि आप नाराज हो गए, आप नहीं, गुस्सा मैं गए। बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। मैं इस बात से जो है ना, अब हम क्या बोल रहे हैं, आप आदमी मेरा को बात इतनी सारी सुनिए। बातें कहने के बाद उसे अच्छा लगना चाहिए कि उसे लिंक मिल रही है और वो अभी तत्काल जुड़ के काम आज से चालू कर नहीं, देगा। अभी क्या है, अभी हम लिंक आपसे जुड़ेंगे, ये जरूर सब बात ये सब जुड़ेंगे। बातें बंद करिए, ये सब बातें बंद अच्छा करिए। आप जो है ना तत्काल जुड़िए। यदि आपके जो ना और सोचना है तो जिंदगी भर सोचते रहिए, विचाराधीन सदस्य के बतौर जुड़ जाइए, जो हमने एक आपको चीज और, समझाया है, राइट? वो आप हाँ, समझाए ना, आप राइट, मेरा बात तो आप सुनिए। बहुत सा अभी क्या है, मोबाइल पे लिंक देने देखो के बाद इतना तो समय डिलीवरी हो नहीं रहा है। है हमें समय बर्बाद करने का। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक डीजी रैंक का व्यक्ति आपसे बात कर रहा है? वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपसे अब जो है खाली फिर उस डीजी रैंक आप के जो ना मेरा व्यक्ति बात, का समय खराब मत करिए। मैंने आपको SMS से लिंक आप अभी भेजा है, आप लिंक SMS। भेजे तो हम लिंक नहीं, इसलिए पहले हम जब तक फुल अच्छा, सेटिस्फाइड ना मुझे हो यदि आप जाए। जो है ना इतने नालायक आदमी है तो मुझे आपसे बात नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। वंदे मातरम।